सर्कल से थोड़ा ज़्यादा बाहर, फिर स्टार्ट करते हैं। 1, 2, नीचे, फिर अप। 14, 15, 3, 4, 5। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटो सिटी। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और थैंक्स अलॉट फॉर लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यूट्यूब में हो गया, फेसबुक में भी, और बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे सपोर्ट आए, बहुत सारा प्यार आए। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स एंड आप लोगों दोस्तों। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और आज की इस नया वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे चेस्ट वर्कआउट का। तो चेस्ट वर्कआउट घर पे कैसे मेंटेन करें, ये सारे डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर जिम नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम या कुछ टाइम नहीं हो रहा है, तो आप घर पे ही पुशअप करके आप बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि हो गया चेस्ट, हो गया आपका ट्राइसेप, हो गया शोल्डर, हो गया बाइसेप, हो गया लेग्स, हो गया ये सारे बिना वेट्स के भी आप पुशअप आपका बॉडी वेट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा भी मतलब इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, आप अपना बॉडी वेट से ही आप अपना सारा वर्कआउट कर सकते हैं। तो मेरे तरह आप लोग भी अपने घर पे कहीं पे भी एक स्पेस बना लीजिए, और जैसे कि मैं यहाँ पे अरेंज करता हूँ अपना स्पेस, और यहीं पे ही मैं पुशअप करूँगा आज। और चेस्ट का, अपर चेस्ट का, लोअर चेस्ट का, सारे चेस्ट का आप यहाँ पे वर्कआउट करूँगा मैं। तो चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं और अपना फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप वार्म अप कर लो, फिर अपना वर्कआउट के फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ कीजिए और एंजॉय कीजिए वीडियो को। तो फर्स्ट हम करेंगे नॉर्मल पुशअप। आपका रेपिटेशन कुछ भी आप रख सकते हैं, 8, 10, 12, 15, 20, कुछ भी। तो मैं 20 का ही रखूँगा अभी फ़िलहाल, स्टार्टिंग में 20 का रखूँगा। जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा देखते हैं, उसके हिसाब से मैं अपना मैनेज कर लूँगा। तो चलिए फर्स्ट सेट हम शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट एक सेट हम नॉर्मल पुशअप करेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत चेस्ट का वार्म अप हो जाएगा, अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम अपना हैंड को ऐसे ही रख लेंगे, और ज़्यादा वाइड मत कीजिएगा, ज़्यादा वाइड करेंगे तो फिर आपका शोल्डर पे प्रेशर आ जाएगा। तो आपको यहीं पे इतना ही रखना है, जैसे कि आपका शोल्डर लेवल से थोड़ा ज़्यादा। और ये नॉर्मल पुशअप है, और इसे आप शुरू कर सकते हैं बॉडी पूरा सीधा। और 1, पूरा नीचे आएंगे, फिर ऊपर। ऊपर जैसे ही जाएंगे आपका जो चेस्ट को पुश करेंगे, मतलब स्क्वीज करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप, 1, 2, 1, 2। और यहीं पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे जो लड़के होते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैं पुशअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो लोग जो न्यू कमर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, ऐसे पुशअप करते हैं, ऐसे इसे पूरा निकाल लेते हैं। पर इसे निकालना नहीं, इसे नीचे कर लेना है पीछे, और ऐसे करेंगे तो आपका चेस्ट पे बढ़िया प्रेशर आता है ऐसे। और आपको ऐसे करना नहीं है, और वही न्यू कमर जो होते हैं पूरा मतलब इतना वाइड पकड़ लेते हैं, और यहीं से ऐसे ऐसे करते लेते हैं। ये सारे करना नहीं है, क्योंकि इसमें आपका इंजरी भी हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट सेट को हम कंप्लीट कर लेते हैं यहीं पे। शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा बाहर, फिर स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 18, 19, 20। तो ये हो गया 20 का। तो इसको आपको 3 सेट लगाना है, और
आप अपने रेपिटेशन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं अपना फर्स्ट, जैसे कि हमारा वार्म अप अभी कंप्लीट हो गया है, 3 सेट का हमने पुशअप कर लिया। उसके बाद अभी हम अपना फर्स्ट सेट यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज को प्ले करेंगे। तो इसके लिए आपको हम फर्स्ट अपना पुशअप करेंगे, इंक्लाइन पुशअप में आपका जो लोअर पार्ट होता है चेस्ट का, ये आपका इम्प्रूव होता है। ये भी आप अपना 3 सेट लगाएंगे, आप अपने हिसाब से अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कितना रेपिटेशन का लगाते हैं। तो मैं नॉर्मली रेफर करूँगा मतलब 15, 20, 25, फर्स्ट सेट में 15, सेकेंड सेट में 20 और थर्ड सेट में आप करेंगे 25। या फिर आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप 8, 10, 12 का भी रेपिटेशन लगा सकते हैं। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ फर्स्ट वन। इसके लिए आपको इंक्लाइन करने के लिए आपका कहीं पे भी ऐसे थोड़ा हाइट की जगह ढूंढ लेनी है। तो यहाँ पे मैं इस सोफा को यूज़ करूँगा। तो यहीं पे मैं ऐसे ही अपना एंगल थोड़ा इंक्लाइन रहेगा, ओके। तो यहीं पे मैं अपना शोल्डर के लेवल से हाथ रख लूँगा, जैसे कि नीचे हम कर रहे थे ऐसे ही करना है यहीं पे भी। तो यहीं से आप खड़ा हो जाना है और इसे इस एंगल में थोड़ा एंगल कर लेना है इंक्लाइन का और अपना पुशअप शुरू करना है, फिर अप। ओवर। ये भी आपको 3 सेट करना है, आप अपने रेपिटेशन के हिसाब से कम से जितना मिनिमम होगा वही करेंगे फर्स्ट सेट में, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा सेकंड में, थर्ड में और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर आप फर्स्ट में बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो सेकंड में आपका स्ट्रेंथ कम जाएगा, ओके। तो थर्ड में आपका बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे में मैं यही करता हूँ कि फर्स्ट सेट में जितना आप कम कर सकते हैं उतना ही कम कीजिए, इससे आपका स्ट्रेंथ लेवल जो है इंक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका इंक्लाइन जो कि लोअर पार्ट के लिए। अभी हम करेंगे वाइड पुशअप। वाइड पुशअप आपका यहाँ पे जो देख सकते हैं आपका चेस्ट का वाइड साइड है, मतलब बाहर की साइड जो यहाँ साइड में रहता है, ये साइड को आपको इंक्रीज करना है। और चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें भी आपको फर्स्ट अपना पोजीशन सेट कर लेना है और इसे थोड़ा वाइड रख लेना है। फर्स्ट में हम कितना यूज कर रहे थे इतना, ओके। तो इससे और थोड़ा ज़्यादा आपको इतना बढ़ा लेना है। आप ऐसे ही मेजर कर सकते हैं ऐसे करके, ओके। तो यहाँ पे इतना ही वाइड हम करेंगे और ज़्यादा वाइड मत करिएगा क्योंकि इससे आपका शोल्डर भी डैमेज हो सकता है, ओके। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। चलिए एंगल ले लिया, 1, 2, 17, 18, 19, 20, ओके। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी अपना पुशअप लगाएंगे तो जब ऊपर आएंगे चेस्ट को पुश करेंगे तो तभी हमारे चेस्ट पे प्रेशर रहेगा। अगर आप ऐसे ही मारते रहेंगे तो फिर उतना कुछ आपका दिखेगा नहीं, ओके। तो यहीं पे मैं बोल देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना पेज को फॉलो कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो ये हो गया वाइड, ओके। वाइड के बाद हमें करना है क्लोज हमें करना है अपना इनर पार्ट के लिए, ओके। यहाँ पे जो बीच का पार्ट होता है, इसके लिए हमें करना है इनर का जो कि क्लोज पुशअप होता है। डायमंड पुशअप भी करते हैं, डायमंड पुशअप हमारे इस पार्ट के लिए भी होता है और अपना ट्राइसेप के लिए भी होता है। तो हम लोग अभी यही प्ले करेंगे, ओके। अपना
इनर पार्ट के लिए चेस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वर्कआउट नंबर थर्ड। फर्स्ट हो गया इंक्लाइन, सेकंड हो गया आपका वाइड, थर्ड ये हो गया आपका क्लोज यानी कि डायमंड पुशअप। डायमंड का मतलब आपके बॉडी के हिसाब से, सॉरी आपके हाथ को नीचे ऐसे ही दोनों हाथ को सटा के रखना है और डायमंड क्रिएट करना है यहाँ पे। ओके, तो ये आपको यहीं पे ऐसे रखना है और फिर अपना पुशअप का पोजीशन ले लेना है और यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं अपना पुशअप। 1 2 ओ, ये भी हमारा हो गया 20 सेट। और 20 सेट ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसे भी आपको 3 सेट लगाना है, तीनों का रेपिटेशन चेंज कर करके। इसके बाद हमें करना है इंक्लाइन, हो गया इसका ऑपोजिट डिक्लाइन। मतलब इंक्लाइन में हम हाथ रो करें, हाथ यहाँ ऊपर रख रहे थे ओके, और अभी डिक्लाइन में क्या करेंगे, हमारा पैर को यहाँ पे ऊपर रखेंगे ओके। पैर को कोई भी एक स्टूल या टेबल पे रख लेके आपको पुशअप करना है, जो कि आपका बॉडी ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा। यहाँ पे आपका पैर रहेगा और ये आपका सर रहेगा ओके। फर्स्ट टाइम कैसे था कि आपका सर ऊपर था और पैर नीचे था, तो अभी इसका उल्टा कर लेंगे डिक्लाइन ओके। आपका सर रहेगा नीचे, पैर रहेगा ऊपर। तो इसका वो भी आप 3 सेट लगाना है। इससे आपका चेस्ट का अपर पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका डेवलप करेगा ओके, जिससे कि आपका ऊपर से बढ़िया दिखेगा। टॉप व्यू जो आएगा आपका चेस्ट का, अपर व्यू बढ़िया लगेगा। पानी भी पीते रहिएगा हर सेट के बाद, और बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा ओके। तो चलिए मैं यहीं पे, अभी आप देख सकते रहे, यहीं पे मैं अपना पैर रख लूँगा और यहीं से ऐसे डिक्लाइन हो जाऊँगा ओके। तो इससे भी आपको पोजीशन ले लेना है और आपका पैर यहाँ पे ऊपर रख लेना है। पोजीशन ज़्यादा वाइड मत कीजिएगा, यहीं आपका शोल्डर लेवल से थोड़ा ज़्यादा, और ये हो गया आपका डिक्लाइन मोड ओके। तो यहीं से आपको पुशअप शुरू कर लेना है। 1 1 2 19 20 ओके। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ओके। इससे भी आपका 3 सेट लगाना है, जितना आपका रेपिटेशन जाता है उसी के हिसाब से आप अपना सेट रेडी कीजिए कि कितना आप सेट करेंगे, कितना सेट छोड़ेंगे। तो ये था आज का चेस्ट वर्कआउट, होम वर्कआउट, या फिर अगर आप डंबल के जगह आप दो छोटा छोटा ब्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, ब्रिक्स से भी आप अपना चेस्ट का वर्कआउट इजीली कर सकते हैं। तो आज का वर्कआउट यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।